भगवान जगन्नाथ की दो लीला कल हमने चर्चा करी, रामानुजाचार्य की का पुरी में आगमन और उसके बाद एक अर्जुन पंडा, अर्जुन मिश्र, गीता पंडा, उनकी स्टोरी तो, और जगन्नाथ जी के और कुछ लीला हम आज से श्रवण करते हैं। तो आज की एक बड़ी स्टोरी है और बहुत सुंदर स्टोरी है, वो हम आज से चर्चा करेंगे। बहुत सारे इसके लिंक है, अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो किस तरह पुरी के एक राजा, दक्षिण भारत के एक राजा के साथ उनका युद्ध होता है और बहुत कुछ होता है उसमें, तो स्टोरी शुरू करते हैं। तो उड़ीसा में एक समय एक राजा थे, उनका नाम था पुरुषोत्तम देव। राजा पुरुषोत्तम देव ये उड़ीसा के राजा थे और भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। और जिस तरह उड़ीसा में जब रथ यात्रा होती है तो रथ यात्रा में भगवान रथ के आगे झाड़ू लगाते हैं, स्वर्णिम झाड़ू रहती है, सोने की झाड़ू से रथ यात्रा के आगे झाड़ू लगाते हैं। तो राजा पुरुषोत्तम देव पूरी रथ यात्रा के समय वो झाड़ू लगाते थे। रथ यात्रा चल रही है, भगवान जगन्नाथ के आगे राजा झाड़ू लगाते थे। तो जो समझते थे कि भगवान ही पूरे स्वामी है, उनकी सेवा करना चाहिए, तो राजा होते हुए भी वो एक तुच्छ काम करते हैं। जो झाड़ू लगाना है मतलब कितना छोटा काम है, भंगी का काम है, तो वो काम किया करते थे। तो ये राजा पुरुषोत्तम देव एक बार दक्षिण भारत भ्रमण पर गए थे और दक्षिण भारत में कांची नामक एक राज्य में गए और वहाँ के राज्य में वो रुके हुए थे, सुंदर बगीचे में घूम रहे थे। और वहाँ राजा पुरुषोत्तम देव की भेंट हुई वहाँ की राजकुमारी से, राजकुमारी पद्मावती उनका नाम था, वहां की राजकुमारी से उनकी भेंट हुई। दोनों आपस में एक दूसरे को परिचित हुए, पसंद करने लगे। उसके बाद राजा पुरुषोत्तम देव इधर राजमहल में आए कांची के राजा के, और कांची के राजा के साथ उनका बातचीत हुआ और कांची के राजा भी राजा पुरुषोत्तम देव के बहुत से बहुत खुश हुए थे। तो उन्होंने राजकुमारी पद्मावती का विवाह का प्रस्ताव रखा उनके सामने कि राजा पुरुषोत्तम देव के सामने उनकी राजकुमारी पद्मावती के विवाह का प्रस्ताव रखा और राजा पुरुषोत्तम देव बहुत खुश हो गए क्योंकि वो ऑलरेडी रानी राजकुमारी से मिल चुके थे और वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। तो इस तरह उनका एक प्रस्ताव हो गया, एंगेजमेंट की तरह हो गया, सगाई की तरह हो गया। और उसके बाद कुछ समय बाद राजा पुरुषोत्तम देव फिर से उड़ीसा वापस आ गए और उसके कुछ समय बाद ये कांची के जो राजा है इन्होंने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव, औपचारिक प्रस्ताव भेजा उड़ीसा में, क्योंकि बातों बातों में तो हो गया था, अभी औपचारिक रूप से होने के लिए कांची के राजा ने अपने मंत्री को भेजा कि आप थोड़ा जाके देखिए, पुरुषोत्तम देव राजा का राज्य देखिए, किस तरह वो राज्य करते हैं उनके बारे में थोड़ा जानिए। तो वो और मंत्री यहाँ पे आए और मंत्री का एक मिनट जस्ट, मंत्री यहाँ पे आए और मंत्री का स्वागत हुआ उड़ीसा में। राजा पुरुषोत्तम देव ने मंत्री का भव्य स्वागत किया, उनके रुकने की अच्छे से व्यवस्था की और उसी समय रथ यात्रा का समय भी आ गया था। तो राजा पुरुषोत्तम देव ने मंत्री को बोला कि आप थोड़े दिन रुक जाइए, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का समय है तो आप रथ यात्रा देख के जाइएगा, यहाँ पर रथ यात्रा एक बहुत बड़ा उत्सव है। तो कांची का जो मंत्री आया था वो रुक गया रथ यात्रा देखने के लिए। तो रथ यात्रा वो देख रहा था और रथ यात्रा जब देख रहा था तो वो बैठा हुआ था, उसने देखा कि राजा पुरुषोत्तम देव वो क्या कर रहा है, रथ के सामने झाड़ू लगा रहा था। तो रथ के सामने इस तरह झाड़ू लगाते हुए देखा रथ का सब कुछ देखा उसने, किस तरह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हो रही है, भगवान जगन्नाथ को मंदिर से बाहर लेके आते हैं, रथ के ऊपर बिठाते हैं, सब कुछ देख रहा था ये मंत्री। बहुत अच्छा लग रहा था उसको, बहुत सारा साउंड कीर्तन ढोल नगाड़े सब बज रहे थे। लेकिन उस कांची के राजा ने जब देखा कि रावी पुरी का राजा है, इसने हाथ में झाड़ू लिए और रथ के आगे वो झाड़ू लगा रहा है, रोड के ऊपर झाड़ू लगा रहा है,
तो जैसे ही मंत्री ने देखा कि राजा झाड़ू लगा रहा है, वो अचंभित हो गया, भ्रमित हो गया, ये क्या कर रहा है राजा, झाड़ू क्यों लगा रहा है, ये तो एक सामान्य व्यक्ति का काम है, भंगी का काम है, वो झाड़ू लगाएगा, राजा क्यों झाड़ू लगा रहा है। वो राजा को झाड़ू लगाता रहा पूरी रथ यात्रा में इस तरह, लेकिन मंत्री इस बात को समझ नहीं पाया कि भगवान जगन्नाथ है, जगन्नाथ के रथ के आगे झाड़ू लगा रहा है। मंत्री ने वो पॉइंट नहीं देखा, उसने बस ये देखा कि राजा झाड़ू लगाता है, भंगी का काम कर रहा है। तो ये समझ के राजा का इस तरह वो अपमान सोचा, बोले राजा को इस तरह कार्य नहीं करना चाहिए, ये तो मार्ग का स्वच्छता कर रहा है, सफाई का काम कर रहा है, ये तो चांडालों का काम है। इस तरह सोच के मंत्री फिर वहां से चला गया, ये कैसा राजा है, इस तरह समझ नहीं पाया। और मंत्री पुरी से चला गया वापस कांचीपुरम, और कांची में जाके कांची के राजा को बताया इस तरह क्या क्या हुआ है, कि बोले वो राजा है, वो तो भंगी का काम कर रहा है, वो तो झाड़ू लगाता है इस तरह। तो मंत्री ने जो जो बताया था कांची के राजा को अच्छा नहीं लगा, अरे हम हमारी पुत्री का विवाह ऐसे राजा से करेंगे जो रास्ते में झाड़ू लगाता है, जो भंगी का काम करता है, ऐसे व्यक्ति से कैसे हम विवाह करें। तो ये भी राजा, कांची का राजा भी समझ नहीं पाया कि किस तरह रथ यात्रा थी, रथ यात्रा के उस उत्सव में वो झाड़ू लगा रहा था, तो वो उसको समझ नहीं पाया। तो फिर कांची के राजा ने कांची का राजा दुखी हुआ, बोले हम हमारी पुत्री पद्मावती का विवाह ऐसे राजा के साथ कभी कदापि नहीं करेंगे जो इस तरह रास्ते में झाड़ू लगाता है। तो इन्होंने वो कर दिया, फिर प्रस्ताव फिर से भेजा, जो पहले से उनका बात हो गया था रानी पद्मावती का, रात पुरुषोत्तम देव के साथ विवाह का प्रस्ताव उन्होंने अभी कैंसिल कर दिया था, बोले तो हम इस तरह इनके साथ विवाह नहीं करेंगे। तो फिर से कांची के राजा ने निमंत्रण भेज दिया और कैंसिल प्रस्ताव भेज दिया। तो राजा पुरुषोत्तम देव को बहुत अच्छा नहीं लगा, इस तरह अपमान हुआ है, वो क्रोधित हुए, बोले ये हमारा अपमान नहीं, ये जगन्नाथ जी का अपमान है, उनकी रथ यात्रा में हम झाड़ू लगा रहे थे। तो राजा पुरुषोत्तम देव ने सोचा कि हम इस अपमान का बदला लेंगे कांची के राजा से, और कांची के राजा से बदला लेने का सोचा। और फिर उन्होंने क्या किया, कांची के राजा से युद्ध के लिए ललकारा उनको। और जो कांची का राजा था वो गणेश जी का परम भक्त था, ये जगन्नाथ जी के परम भक्त थे, वो कांची का राजा वो भगवान जगन्नाथ का परम भक्त था, बहुत बड़ा पुजारी था। तो दोनों राजा युद्ध भूमि में एकत्रित हुए, और युद्ध से पहले आपस में उनका बातचीत बात झगड़ा होता है ना, एक दूसरे से पहले वाक युद्ध होता है, बातचीत में दोनों युद्ध करते हैं। तो इस तरह जब बातों बातों में युद्ध कर रहे थे, तो कांची का राजा बोला कि अगर मैं तुम्हें हरा के तुम्हारे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को इधर लेके आ जाऊंगा कांची में, और इधर का बोला कि पुरुषोत्तम ने बोला कि हम आपके गणेश जी को यहाँ लेके आ जाएंगे पुरी में, और पुरी में जगन्नाथ के पीछे में उनको रखेंगे, गणेश को रखेंगे। तो इन्होंने बोला कि मैं गणेश जी के पीछे आपके जगन्नाथ के विग्रह करूंगा। इस तरह दोनों में वाक युद्ध हुआ। तो इस तरह युद्ध चल रहा था और दोनों में एग्रीमेंट हो गया, और इस जब युद्ध हुआ तो पुरुषोत्तम देव का, जब इस समय युद्ध होने ही वाला था, युद्ध भी चल रहा था, और पुरुषोत्तम देव के इस इनके शिविर में आग लग गई, और युद्ध पूरा हुआ नहीं, और ये युद्ध भूमि छोड़ के पुरुषोत्तम देव वापस चले गए, ये सोच रहा इनका भी अपमान हुआ एक तरीके से, एक तरीके से हार ही हो गई कि वो युद्ध छोड़ के जा रहे हैं, और उनको डर था कि ऐसा नहीं कि जगन्नाथ को अभी वो फिर से कांची का राजा जगन्नाथ जी को लेके जाए। तो इनका दुख भी था, और कांची के राजा के गणेश जी के भगवान के पीछे भगवान जगन्नाथ का स्थान दिया जाएगा। तो ये राजा पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान आप सहायता करिए, इस तरह मैं तो आपके आपकी सेवा के लिए आपके मार्ग में झाड़ू लगा रहा था, और कांची के राजा ने इस तरह मुझे अपमानित किया है, ये आपका अपमान है,
इस तरह उन्होंने विवाह का प्रस्ताव कैंसिल कर दिया है। तो और युद्ध में भी हमारी पराजित ही एक तरीके से हो गई है, ये हमारा और बड़ा अपमान हो गया है। तो उस समय भगवान जगन्नाथ राजा के स्वप्न में आए और उनको बोला, तुम चिंता मत करो, तुम फिर से कांची के राजा के साथ युद्ध की तैयारी करो। और जगन्नाथ जी ने ये राजा को बोला, पुरुषोत्तम देव को, कि आप युद्ध की तैयारी करो, मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से युद्ध में आके तुम्हारी सहायता करूंगा। इस तरह जगन्नाथ जी ने राजा के सपने में आके बोला, राजा जाग गया और यह संकेत मिला कि भगवान स्वयं आके सहायता करेंगे। फिर से राजा तैयार किया, प्रसन्न हुआ, सबको उन्होंने फिर से उत्साह बनाया कि चलो चलो हम फिर से युद्ध के लिए तैयार करेंगे, और फिर से वह युद्ध के लिए आगे बढ़ा। तो फिर से राजा पुरुषोत्तम देव कांची की तरफ जा रहे थे युद्ध करने के लिए। और इस समय जगन्नाथ और बलराम जी उनके साथ में सैनिक का रूप लेके उनके साथ में जा रहे थे उनकी तरफ से युद्ध करने के लिए। तो जगन्नाथ जी थे वो एक काले घोड़े के ऊपर थे, बलदेव थे सफेद घोड़े के ऊपर। तो इस तरह दो घोड़ों के ऊपर दोनों जा रहे थे। और वैशाख का समय था, बहुत गर्मी थी उस समय। और इस तरह जब जा रहे थे, चिलिका झील से वो होकर गुजरे और उनको बहुत प्यास लग रही थी रास्ते में। और रास्ते में उन्होंने देखा कि एक ग्वालिन थी, वो मटकी, एक बुढ़िया थी, वो मटकी उसके सिर के ऊपर थी और वो ये बेच रही थी, छाछ बेच रही थी, दूध माखन इस तरह बेच रही थी। उसका नाम था मणिका, इस बुढ़िया का नाम था मणिका। तो वो इस तरह दूध माखन छाछ इस तरह बेच रही थी, और भगवान तो बहुत प्रिय है दूध माखन इस तरह। तो जगन्नाथ बलराम सैनिक के रूप में जा रहे थे और उन्होंने उनको तो वैसे प्यास लगी थी, तो वो उस ग्वालिन के पास गए और उसके पास बोले कि बोले हमें प्यास लगी है, कुछ पिलाइए। ये ग्वालिन जो मणि का इसका नाम था, ये भी बहुत दुखी थी कि उसका सुबह से कुछ दिन इनकम हुआ नहीं था, कोई व्यक्ति उससे कुछ खरीदा नहीं था। वो तो बहुत परेशान थी, बहुत खुश हो गई कि अच्छा है आखिरी में कोई तो ग्राहक आया। तो दोनों ने 2 गिलास लिए और पीना शुरू कर दिया। तो जितना दूध माखन छाछ वगैरह था सब धड़ाधड़ इन्होंने तो पीना शुरू किया और पिए गए। वो ग्वालिन बहुत खुश हो गई, अरे ये तो बहुत अच्छे ग्राहक मिल गए हैं, एक ही बार में सब खत्म हो गया, और दोनों ने मिलकर सब समाप्त कर दिया। और फिर पीने के बाद वो दोनों चलने लग गए, आगे बढ़ने लगे। तो ये ग्वालिन मणिका परेशान हो गए, अरे बोलो आप हमें पैसा तो दो, मूल्य तो चुकाओ इसका। तो बोले हमें क्या पता आपको इस तरह मूल्य देना है, हम तो राजा के सैनिक है, हमारे पास तो धन ही नहीं है। और बुढ़िया रोने लगी मणिका, बोले यही तो मेरा एकमात्र आय का साधन था, वो सब तुम पी गए, खत्म कर दिया, अब मेरे घर में क्या लेके जाऊंगी, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। और तो जगन्नाथ बलराम दोनों फिर से उसके पास गए, अपने घोड़े से उतर कर, वो तो जाने वाले थे, फिर से घोड़े से उसके पास गए और उन्होंने अपनी अंगुली से एक अंगूठी उठाई और वो उस मणि का ग्वालिन को दे दी कि बोले ये अंगूठी ले लो, इस अंगूठी को अपने पास रखो और थोड़ी देर बाद यहाँ से हमारे राजा गुजरेंगे, हमारे राजा यहाँ से गुजरेंगे, उन राजा के पास जाना, उनको ये अंगूठी देना और इसके अंगूठी के बदले में वो तुम्हें सारा धन चुका देंगे, जितना भी हमारा पेंडिंग बिल है सारा बिल वो क्लियर कर देंगे। इस तरह ये दोनों सैनिक ने बोला। तो बूढ़ी महिला क्या करती है, उसने फिर वो अंगूठी ले ली और वो राजा का इंतजार कर रही थी कि कब राजा यहाँ से गुजरेंगे। तो वो वहीं पर बैठी थी, रास्ते में इंतजार कर रही थी। और ये दोनों सैनिक राजा के दल में मिले और राजा पुरुषोत्तम देव राजा जाके युद्ध हुआ। और युद्ध में ये दोनों सैनिक बहुत, जब पुरुषोत्तम देव राजा युद्ध कर रहे थे तो युद्ध में दोनों सैनिक बहुत अच्छे से लड़ रहे थे। पुरुषोत्तम देव राजा ने भी देखा, अरे ये दो सैनिक कौन है, बहुत तीव्रता से लड़ रहे हैं, और दोनों सैनिकों ने इनको पूरा जिता दिया, पुरुषोत्तम देव राजा को युद्ध में जिता दिया। और अरे युद्ध में जीता दिया।
और युद्ध में राजा उनसे मिलना चाहता था दोनों सैनिक से, लेकिन वो दिखे ही नहीं सैनिक, वो वापस कहाँ चले गए पता नहीं। और राजा इस तरह युद्ध जीत गए थे, युद्ध जीत के पुरुषोत्तम देव राजा अभी युद्ध जीत गए हैं, तो कांची कांची के अभी कांची के भी राजा यही हो गए थे, इनके अंडर में आ गया था कांची का। तो इन्होंने वहां की राजकुमारी पद्मावती उसको भी लेके आए, बोली चलो पद्मावती को हमारे राज्य में लेके चलो। तो पद्मावती को लेके आए, पद्मावती को बंदी बना लिया, क्योंकि राजा को बंदी नहीं बनाया, पद्मावती को बंदी बनाया। और उधर से गणेश जी को भी लेके आए, पहला जिस तरह उनका प्रस्ताव था। तो इस तरह बंदी बना के वापस आए, और राजा जब इस तरह जीत कर वापस जा रहे थे, तो ये रास्ते में ये ग्वालिन मणिका जो गुड़िया थी, ये राजा को रोका, राजा के पास गई, बोले आपके दो सैनिक हमारा पूरा दूध दही माखन सब पी गए हैं, और उन्होंने पैसा नहीं दिया है, और एक काले घोड़े पे था एक सफेद घोड़े पे था, पूरा डिस्क्रिप्शन बताया बुढ़िया ने। तो राजा भी आश्चर्य में था कि हाँ ये तो वही दो सैनिक है जो हमारी तरफ से युद्ध कर रहे थे, उन्होंने युद्ध में जिताया था। तो बोले कि हाँ वो कहाँ है, मैं भी उन दोनों से मिलना चाहता हूँ। फिर बुढ़िया ने बोला वो तो कहाँ गए पता नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे ये अंगूठी दी है। उसने बताया कि अंगूठी मुझे उन्होंने दी है, इस अंगूठी के बदले में आप मुझे धन दे दीजिए, पूरा बिल दे दीजिए। तो भगवान राजा ने जब देखा वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये कोई ऐसी वैसी अंगूठी नहीं थी, ये तो भगवान जगन्नाथ की अंगूठी थी, और राजा उसको पहचानते थे। तो इससे राजा को विश्वास हो गया कि ये भगवान जगन्नाथ के सपने में आके इस तरह उनको बोले थे कि वो आएंगे युद्ध में उनकी सहायता के लिए। तो वो समझ गए कि भगवान जगन्नाथ ही थे जो इस तरह जगन्नाथ और बलदेव उनकी तरफ से युद्ध में इस तरह युद्ध में उनको जिताया उन्होंने। और बहुत खुश हुआ राजा उस बुढ़िया का, बहुत सौभाग्य की वो कर रहे थे कि तुम कितना भाग्यशाली हो, तुम्हारे हाथ से भगवान जगन्नाथ और बलदेव स्वयं आके तुम्हारे हाथ से इस तरह माखन खा के गए, दूध पी के गए, छाछ पी के गए। और राजा बहुत खुश हुआ, और उस उन्होंने उस बुढ़िया का वो मूल्य तो चुका ही दिया, लेकिन उससे और भी बहुत कुछ पुरस्कार दिए उस महिला को, बहुत सारे आसपास के गांव की उसको स्वामित्व दे दिया, बोले तुम ये सारे गांव की मालकिन हो, सारे गांव तुम्हारे हैं, और सबसे कर वसूल करो और अपना जीवन यापन करो। और इस तरह राजा ने भी वहां पे दुग्ध माखन का पान किया उसके पास से, और उस स्थान का नाम रख दिया मणिका पटना। वो जगह आज भी उड़ीसा में है, उस स्थान का नाम उस बुढ़िया के नाम से, उस बुढ़िया का नाम था मणिका, और उस स्थान का नाम हो गया मणिका पटना। तो राजा ने उस स्थान का नाम रख दिया मणिका पटना। तो वह मणिका पटना स्थान अभी भी पुरी में है, उस बुढ़िया के नाम से वो राज्य अभी भी चल रहा है, वो स्थान अभी भी है। और इस तरह राजा वापस आ गए राज्य में, अभी वो राजकुमारी को बंदी बना के लेके आए थे, और राजा का अपमान, कांची के राजा ने इस तरह उनका अपमान किया था। तो उन्होंने बताया था, उन्होंने कांची के राजा को बोला था कि तुम्हारी राजकुमारी पद्मावती का विवाह अब हम हमारे जगन्नाथपुरी के किसी चंडाल से करेंगे जो झाड़ू लगाता है, इसी व्यक्ति से ही करेंगे, अब इसका किसी राजा के साथ विवाह नहीं होगा, इस रानी पद्मावती का विवाह होगा किसी झाड़ू लगाने वाले से ही इसका विवाह होगा। इस तरह उनको लेके आए राजकुमारी पद्मावती भी बहुत दुखी थी, कह रही क्या अब तो हम यहाँ आ गए हैं और किसी झाड़ू लगाने वाले से शादी होगी पुरी में, और उसको पता था ये सब उसके पिताजी के कारण इस तरह हुआ है। और राजा पुरुषोत्तम देव ने राजकुमारी को रखा पुरी में, उसको रहने के लिए स्थान दिया, और पुरुषोत्तम देव ने वहां के मंत्री को बोला कि तुम एक चांडाल व्यक्ति लड़का ढूंढो जो झाड़ू लगाता हो, और उसके साथ ये पद्मावती का विवाह कर दो।
तो मंत्री राजकुमारी को अपने साथ ले गए, उनके घर में उनको रहने के लिए स्थान दिया। और राजकुमारी इस तरह, वो भी भगवान की भक्त थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी और समझ गई थी कि अभी उड़ीसा की रानी बनने का उसका सौभाग्य नहीं है, अब किसी किसी की दासी बन के ही रहना पड़ेगा। तो इस तरह धीरे धीरे ये सब कार्य में लगभग 1 साल हो गया। और 1 साल के बाद फिर से रथ यात्रा की तिथि निकट आ गई थी और रथ यात्रा का समय आ गया था। और रथ यात्रा का समय आ गया और बहुत सारे लोग इस तरह रथ यात्रा के उत्सव में भाग ले रहे थे और मंत्री उसी समय वहां पर थे। और मंत्री ने अभी तक राजकुमारी पद्मावती के लिए किसी लड़के का चयन नहीं किया था, विवाह नहीं किया था। और उसी दिन जब रथ यात्रा चल रही थी और राजा पुरुषोत्तम देव झाड़ू लगा रहे थे रथ के सामने, उसी समय ये मंत्री बहुत चतुर था। मंत्री चाहता था कि रानी पद्मावती का विवाह इनके साथ हो, राजा पुरुषोत्तम देव के साथ। और राजकुमारी की भी ऐसी इच्छा थी, लेकिन वो तो कुछ बोल नहीं सकते थे। लेकिन मंत्री ने इस तरह योजना बनाई और मंत्री उसी समय जब राजा पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने झाड़ू लगा रहे थे, उसी समय मंत्री राजा के पास गया और उन्होंने बताया कि हे राजा, कांची की राजकुमारी है पद्मावती, उसके लिए हमने एक एक व्यक्ति का चयन कर लिया है जो झाड़ू लगाता है। तो राजा पुरुषोत्तम देव ने बोले ठीक है, चयन कर लिया, अच्छा है, हम रथ यात्रा के बाद उसका विवाह कर देंगे उसके साथ। लेकिन मंत्री पहले से ही पद्मावती को बोल दिया था कि अब आप अच्छे से श्रृंगार करके तैयार रहिए, पालकी में बैठ के मंत्री उनके साथ में लेके आए थे। और रथ यात्रा के दिन मंत्री ने इस तरह राजा को बोला कि जिस जिस व्यक्ति का हमने चयन किया है राजकुमारी के विवाह के लिए, वो और कोई नहीं है, आप स्वयं हैं। बोले आप ही झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगाने वाले इस तरह, तो आप ही का चयन किया है। और इसी समय वहीं पे रथ यात्रा के सामने ही रानी कमला रानी आई, उसने पुरुषोत्तम देव राजा के गले में इस तरह हार पहना दिया। तो मंत्री ने उसी समय उनका एक विवाह की तरह विवाह का बोलते हैं, और राजा के साथ फिर बाद में रानी का विवाह हो गया। सब मुस्कुरा रहे थे, मंत्री मुस्कुरा रहा था, राजा भी फिर खुश हो गया, ठीक है अब मेरा ही चयन किया है तो मैं ही कर लेता हूं। और इस तरह राजा के साथ फिर रानी पद्मावती का विवाह हुआ। और कांची के जो राजा है, और जिस तरह उनकी शर्त थी कि युद्ध के बाद गणेश जी के विग्रह को लेके आएंगे, तो ये राजा गणेश जी के विग्रह को लेके भी आए थे। पुरुषोत्तम देव कांचीपुरम से कांची के गणेश जी के विग्रह को लेके आए थे, और वो गणेश जी का विग्रह जगन्नाथ मंदिर के पीछे पीछे की तरफ अभी भी है। अगर जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करते हैं तो जगन्नाथ मंदिर के पीछे में एक छोटा मंदिर है, कांची गणेश, कांची के गणेश, तो वो गणेश जी का दर्शन जगन्नाथपुरी में कर सकते हैं आप। अगर मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो कांची कांची के गणेश का विग्रह आज भी है जगन्नाथपुरी मंदिर, जो वो लेके आए थे। तो इस तरह ये कांचीपुरम के गणेश जी को लेके आए थे, और भी एक और भी कुछ विग्रह लेके आए थे, ये पुरुषोत्तम देव साक्षी गोपाल का विग्रह लेके आए थे, भी अभी वहीं पर है। और राधा राधा कांत विग्रह एक वो भी लेके आए थे, वो भी अभी पुरी में है। तो राधा राधा कांत विग्रह, तो 3 विग्रह लेके आए थे वो दक्षिण भारत से। तो दक्षिण भारत में एक विग्रह था साक्षी गोपाल का, तो वो साक्षी गोपाल का विग्रह लेके आए थे, राधा राधा कांत विग्रह और गणेश जी का इस तरह देखा। तो शुरू शुरू में राधा राधा कांत के विग्रह को जगन्नाथ मंदिर में ही स्थापना किया था, गणेश जी का मंदिर पीछे था। और जगन्नाथ जी के लिए अलग अलग प्रकार के भोग लगते थे, और इस तरह जगन्नाथ जी को भी भोग लगते थे, बीच में राधा राधा कांत एक और विग्रह आ गए थे तो उनको भी भोग लगते थे।
तो जगन्नाथ जी ने वहां के पंडा पुजारियों को इस तरह कंप्लेन किया सपना में आके कि देखो आप इतना कुछ बना रहे हैं, भोग विग्रह मेरे लिए, लेकिन जो कुछ भी बना रहे हैं ये राधा राधा कांत विग्रह जो आए हैं यही सब ग्रहण कर जाते हैं, हमारे लिए हमें हिस्सा करना पड़ता है जो भोग बनता है उसमें। तो भगवान जगन्नाथ ने बोला कि इनको हम यहाँ नहीं रखेंगे, इनको आप अलग से दूसरा कोई मंदिर बनाओ। तो बाद में राधा राधा कांत जो विग्रह है वहां उनको जगन्नाथपुरी मंदिर से पास में ही काशी मिश्र जो एक समय थे उनके घर में रखा गया, वो वहां पे अभी छोटा मंदिर है, वहीं पे चैतन्य महाप्रभु बाद में 18 वर्ष उसी उसी जगह में रहे, गंभीरा नामक स्थान वहीं पर है। हरे कृष्ण। तो ये एक जगन्नाथ का एक लीला पूरा हमने सुना जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन था कांची के राजा और जगन्नाथपुरी के राजा पुरुषोत्तम देव, उधर के राजा कांची के राजा, और इस तरह ये सब कुछ हुआ, सारी लीला भगवान जगन्नाथ बलदेव एक दोनों सैनिक के रूप में जाके उनका सहायता किया था। तो एक और राजा कुलशेखर की स्टोरी है, ये भी थोड़ी बड़ी है लेकिन हम प्रयास करते हैं शॉर्ट में इसको कंप्लीट करने का। हो सकता है बीच में मीटिंग बंद हो जाए, 40 मिनट वाला ये लाइसेंस आईडी नहीं है, फिर भी जितना हो सकता है। तो एक राजा थे उड़ीसा में, कुलशेखर नाम के एक राजा थे, वो तो बहुत शक्तिशाली थे और शासन में अत्यंत कठोर थे और काशूर्य के समान उनकी कांति कांति थी, और बहुत परोपकारी थे, प्रजा को एकदम पुत्र की तरह देखभाल करते थे, और भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे, और हमेशा राजा कुलशेखर सदैव भक्तों की सेवा करते थे और भगवान की कथा श्रवण करते थे। और इसी तरह एक दिन राजा कुलशेखर अपने राज्य के सिंहासन के ऊपर विराजमान थे और उनके मंत्री सभा सेनापति सब सारे उपस्थित थे और बहुत सारे साधु संन्यासी राजा के चारों ओर विराजमान थे और भगवान की कथा सुना रहे थे। तो राजा इस तरह थे, हमेशा भगवान की कथा सुनते थे, जगन्नाथ जी की कथा सुनते थे, ये परम भक्त थे और बाकी मैनेजमेंट के काम में उतने ज्यादा समय नहीं देते थे। तो उसी समय राजा के गुरु आए, जो राजा के गुरु थे उनका आगमन हुआ, और राजा के गुरु जब आए तो राजा ने उन्हें परम श्रद्धा के साथ प्रणाम किया और गुरुदेव का चरण चरणों को धोया, बैठने के लिए उनको उत्तम आसन दिया, दंडवत प्रणाम किया और राजा की आज्ञा से गुरु आए, वो भी उन्होंने स्थान लिया, वो बैठ गए, वो भी श्रवण कर रहे थे। इस तरह श्रवण चल रहा था, राजा है, पूरी प्रजा है, गुरु है, और अचानक एक समय एक मक्खी आके राजा के सिर के ऊपर बैठी। तो मक्खी आके राजा के ऊपर सिर के ऊपर ऊपर बैठी तो राजा को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने माथे के ऊपर इस तरह हाथ हाथ किया मक्खी को उड़ाने के लिए, तो मक्खी उड़ गई और उस समय राजा ने हाथ लगाया होगा, उनका हाथ उनके सिर पर लगाया, उनको लगा कि मेरे सिर के ऊपर कुछ धूल है। राजा ने इस तरह देखा कि मेरे सिर के ऊपर बहुत धूल लगी, क्योंकि उनके गुरु जो आए थे जब उन्होंने दंडवत प्रणाम किया था तो दंडवत प्रणाम करने में कुछ धूल राजा के सिर के ऊपर लग गई थी। तो राजा ने इस तरह जब धूल देखा तो उतना समझ नहीं पाए, उन्होंने धूल धूल को गिरा दिया। राजा ने अपने उनके सिर के ऊपर जो धूल थी वो प्रणाम करने के ऊपर के ने प्रणाम करने से वो धूल लगी थी, उस राजा ने उस धूल को गिरा दिया, और राजा के गुरु यह देख रहे थे कि राजा ने किस तरह अपना धूल सिर की धूल गिरा दी, तो गुरु को प्रणाम करने में वो धूल धूल लगी थी, और गुरु ने अपना सिर झुका लिया, थोड़ा सा उनके सिर के ऊपर थोड़े अलग भाव थे और राजा उनको समझ गए। तो राजा तो नियम संयम का पालन करता था और गुरु की प्रतिक्रिया तुरंत वो समझ गए, और गुरु से उन्होंने उदासी भाव में पूछा कि क्या है, तो गुरु ने उत्तर दिया कि जब कोई मनुष्य गुरु को दंडवत प्रणाम करता है तो तुरंत ही इस जीवन के अलावा पूर्व जन्म के पाप कर्म से मुक्त हो जाता है और उसके मस्तिष्क पर गुरु को अर्पित श्रद्धा सुमन धूल के कण रूप में चिपक जाते हैं। तो धूल जो प्रणाम करने में जो धूल हमारे शरीर पर चिपक जाती है बहुत पवित्र रहती है,
लेकिन गुरु ने बताया कि आपने उन धूल के कणों को अपने मस्तक से पोंछ दिया है, इसके कारण बहुत सारे पाप कर्म आपने अर्जित कर लिए, और बहुत सारे पाप, इतने पाप कर्म आपको लग गए कि आप कल्पना भी नहीं करते। और इसीलिए गुरु इस तरह बोलने के बाद वो गुरुदेव राज वहां से चले गए थोड़ी देर बाद। और राजा कुलशेखर तो बहुत डर गए थे, कांपने लगे, अरे मेरे गुरु से, मेरे मेरे साथ अपराध हो गया है गुरु के चरणों में। वो कुछ बोल नहीं पाए और पश्चाताप कर रहे थे, स्तब्ध हो गए, और उनके गुरुदेव वहां से चले गए। और उन्होंने विद्वानों ज्ञानियों की सभा बुलाई, तो राजा ने बहुत सारे विद्वान ज्ञानी सबको बुलाया, और उन्होंने बताया कि मेरे मेरे से इस तरह अपराध हो गया है, मेरे गुरु चरणों में अपराध हो गया है, मैं गुरु के चरणों की जो धूल है उसके चरणों में अपराध हो गया है। तो आरे सारे ब्राह्मण विद्वान सबको बुलाया, बोले क्या किया जाए ताकि मैं इस पाप पाप का प्रायश्चित कर पाऊं। ये राजा कुलशेखर बोलते, मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा जिससे इस पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। बोले अगर मैं इस प्रायश्चित नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो सारे उनके जो विद्वान ब्राह्मण सब देखे कि कैसे राजा का प्रायश्चित हो गया, तो अलग अलग वेद पुराण सब उसको जो उन्होंने देखा, और राजा ने बोला था कि आप बताओ क्या प्रायश्चित है, मैं करूंगा। तो राजा इस तरह प्रतिज्ञा लिया था कि जो भी प्रायश्चित होगा कितना ही कठिन क्यों ना हो मैं उसको करूंगा। तो सारे संत महात्मा जब इस तरह देखा कि अब क्या करें, तो उन्होंने प्रायश्चित का बताया कि प्रायश्चित के लिए तरीका एक है कि गुरु द्रोह से मुक्ति पाने के लिए राजा को क्या करना पड़ेगा, 12 फुट लंबी, 3 फुट चौड़ी, 6 इंच मोटी एक तांबे की धातु की थाली बनानी पड़ेगी, और उस तांबे की जो धाती के चार चारों तरफ से उसको कोयले से जलाना पड़ेगा, और जब वो बहुत गर्म हो जाएगी तब उस जलती हुई थाली के ऊपर राजा को 100 बार दंडवत प्रणाम करना है। ये इसका प्रायश्चित है जो अपराध हुआ उसका। तो ये सब विद्वानों ने बताया कि ये प्रायश्चित, लेकिन ये प्रायश्चित करने जाएंगे तो मर ही जाएंगे, बचेंगे क्या, तो जल जाएंगे, पूरी थाली गर्म है। तो राजा ने जब ये प्रायश्चित सुना बहुत खुश हो गया, अरे कुछ तो प्रायश्चित है तो मैं प्रायश्चित करूंगा। तो राजा ने तुरंत बोले प्रायश्चित का आयोजन किया जाए। इसी तरह सब सारी राजा प्रजा सबने मिलकर इस तरह एक थाली बनाई जो 12 फुट लंबी थी, 3 फुट चौड़ी थी, 6 इंच मोटी थी, तांबे की बनी हुई थी, नीचे आग जलाई गई चारों तरफ, और वो थाली आग के ऊपर थी, पूरी गर्म हो रही थी कोयले से। और इस तरह राजा ने फिर नेक्स्ट दिन जिस दिन था पवित्र जल में स्नान किया, शरीर के ऊपर तिलक लगाया, गले में तुलसी माला धारण करी। उन्हें पता है कि हो सकता मर ही जाएंगे प्रायश्चित करने में, तो सारी तैयारी के साथ स्नान किया, जगन्नाथ जी का प्रसाद लिया, तुलसी माला धारण किया, सफेद वस्त्र धारण करके जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण किया, जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया, और उस स्थान पर आ गए जहाँ पे थाली गर्म हो रही थी, और पूरी प्रजा सब लोग आके देख रहे थे उस स्थान को, किसे राजा पश्चाताप कर रहे हैं, और सब रो रहे थे, बोले ये सब पश्चाताप करने में तो राजा, क्योंकि सारी प्रजा राजा से बहुत प्रेम करते थे, और ऐसा राजा इतना बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं कि राजा की मृत्यु हो जाएगी, और राजा का शरीर तो जल ही जाएगा इस तरह राजा का पश्चाताप करने जाएंगे। तो सब देख रहे थे, और राजा ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की और सबको बताया मेरी मृत्यु के बारे में चिंता मत करें, जगन्नाथ जी जो जन्म लेता है वो तो अवश्य मरता है। राजा ने इस तरह थोड़ा सारे प्रजा को सबको समझाया और भगवान के बारे में बताया, जगन्नाथ का स्मरण करते हुए, और उसने फिर उस थाली के अंदर पैर रख दिया। तो राजा इस तरह प्रार्थना कर रहा था, भगवान के नामों का कीर्तन कर रहा था, एक छोटा सा कीर्तन भी है जो राजा कर रहा था, श्री राम श्री कृष्ण श्री हरि मुकुंद माधव मुरारी अच्युत अनंत गोविंद श्याम सुंदर संदारम, तो इस तरह कीर्तन कर रहा था। भगवान के नाम का कीर्तन करते करते, हरि कथा श्रवण करते करते, और राजा थाली में गया, और एकदम बहुत थाली वो गर्म थी, और अगर इतनी गर्म थाली थी कि अगर उसमें गीली लकड़ी भी डालते तो वो भी तुरंत जल जाती।
और राजा ने निर्भय होकर थाली के ऊपर जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया। तो पहली बार दंडवत किया, राजा का शरीर जलने लगा, सिर हाथ पैर सब जल जल रहे थे। लेकिन राजा भयभीत नहीं हुए, फिर से वो खड़े हो गए, फिर जगन्नाथ का स्मरण करते फिर से उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और इनका इस तरह जब वो प्रयास कर रहे थे, उनकी भक्ति को देखते भगवान ने तुरंत उन्हें अपनी शरण में ले लिया। तो तुरंत भगवान की कृपा से जो अग्नि थी, जो अग्नि की थी, वो तुरंत शीतल हो गई और राजा का शरीर भी शीतल हो गया। और राजा जो शरीर जो जल रहा था, उसका जलन भी खत्म हो गया तुरंत। उस समय प्रजा सारी रो रही थी और सब सिर पीट रहे थे, विलाप कर रहे थे कि राजा कितना दुर्भाग्यशाली है, हमें छोड़ के जा रहे हैं, हम कितने दुर्भाग्यशाली, राजा हमें छोड़ के जा रहे हैं। इस तरह सब कुछ हो रहा है, लेकिन अचानक से सबने देखा कि ये सब कुछ शीतल हो गया है, राजा कोई कष्ट नहीं है। और राजा बहुत आसानी से दंडवत प्रणाम कर रहे थे। तो इस तरह राजा दंडवत प्रणाम कर रहे थे, और राजा ने जब 36 36 बार दंडवत प्रणाम किया, तो धरा धरती हिलने लगी, दिशाएं हिलने लगी, और भगवान जगन्नाथ स्वयं वहां पे उसी समय उपस्थित हुए। और उन्होंने मनोहर रूप धारण किया था और तुरंत आके उन्होंने अपने एक हाथ में राजा कुलशेखर को उठाया और थाली से ऊपर उठा के उन्होंने नीचे आए भगवान उनसे बहुत खुश हो गए थे। और फिर भगवान ने स्वयं उनको बताया कि अब तुम समस्त पापों अपराधों से मुक्त हो गए हो, जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करके अब तुम परम गति को प्राप्त करोगे। तो भगवान इस तरह आए थे उनके सामने और भगवान के चरणों में राजा गिर पड़े। और राजा उस समय भगवान उस समय एक ब्राह्मण के रूप में आए थे तुरंत, और इस तरह बोल रहे थे। तो राजा ने बोला, आप कौन है? तो भगवान ने उत्तर दिया कि तुम मुझे नहीं पहचाना, मैं अपना वास्तविक दर्शन दूंगा। तो जगन्नाथ जी ने अपना फिर चतुर्भुज रूप, उनको शंख चक्र गदा पद्म रूप में उनको दर्शन दिया और राजा को निर्भय होकर आशीर्वाद दिया। उसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए। तो वहां पे जो उपस्थित लोग थे, ये सब भगवान का चतुर्भुज रूप वगैरह कुछ देख नहीं पाए, लेकिन भगवान का आगमन इस तरह उनको लगा कि जो कुछ विशेष कुछ हुआ है। और इस तरह राजा कुलशेखर का ये स्टोरी है, उनको किस तरह भगवान की कृपा प्राप्त हुई।